हेलो दोस्तों, आज हम सुपर स्प्लेंडर के शॉकर रिपेयर करके दिखाएंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने सब क्लीन कर लिया है, ये हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद देखिए, हम SKF की सील लगा रहे हैं, जो कि ये जेन्युइन होती है। दोस्तों SKF की सील बहुत अच्छी चलती है और मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ, और मुझे इसमें कोई भी शिकायत अभी तक नहीं आई है। क्या होता है, दूसरी हम लोकल सील लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि लीकेज होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये SKF की सील लगानी है, और सबसे पहले देखिए दोस्तों किस तरह से लगानी है। एक वार्शल होती है इसमें, ये वार्शल को इस तरह से इसके अंदर फिट कर देना है, और ये वार्शल फिट करने के बाद दोस्तों ये सील के ऊपर थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेना है, ताकि ये आसानी से बैठ जाए और हमारी सील ख़राब भी ना हो। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद देखिए बहुत ही ईजी तरीके से हाथ से बैठ जाएगी, और उसके बाद में हमने इसे हल्के से पुश कर देना है। पुश करने के बाद देखिए दोस्तों, एक हमारे पास ये टूटी हुई कॉन होती है, जो अगले पहिए के बैरिंग की होती है, 6203 की होती है, और इसको आसानी से बैठा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने धीरे धीरे से हथौड़े से इसको हल्के हल्के से इसको पुश करना है। इसी तरह से धीरे धीरे इसमें चोट मारते रहेंगे और ये आसानी से बैठ जाएगी, और हमारी सील ख़राब भी नहीं होगी। इस तरह से आप भी दोस्तों बिठा सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, ये हल्के हल्के से शॉकर को घुमाते रहें और ये बैठ चुकी है। दोस्तों देखिए, इसके खांचे आपने देख लेने हैं अच्छी तरह से, चारों तरफ से बैठ गई है कि नहीं। और बैठने के बाद देखिए, लॉक लगा देना है इसमें, ये लॉक भी बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। दोस्तों देखिए, स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए आप, या फिर आप हाथ से ही इसको बिठा सकते हैं। दोस्तों तो देखिए, आसान तरीके से बैठ चुका है, और इसमें हमने आगे क्या स्टेप करना है देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ईजी तरीके से बैठ गया है। और अब आगे हमने क्या करना है देखिए दोस्तों, इसमें शॉकर का पुलर लेना है। हमने शॉकर का पुलर लेने के बाद इसको हमने पंप में डालना है। पंप में डालने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमने इसको इस तरह से डाल दिया है, और डालने के बाद देखिए आगे दोस्तों मैं क्या दिखा, देखिए इसमें शॉकर रॉड को डालना है। शॉकर रॉड को हम किस तरह से डालेंगे दोस्तों, देखिए ये एक तरफ से चूड़ी होती है, एक तरफ से फ्लैट होती है, तो इसमें हमने चूड़ी वाला हिस्सा नीचे करना है, जिसमें नट टाइट होता है वो नीचे करना है। और ये देखिए इसी तरीके से ये बाहर आ चुका है, और इसके ऊपर हमने एक बुश लगाना है दोस्तों, जो कि एलकी वाला बोल्ट इसके अंदर टाइट होता है, ये देखिए। और उसके बाद में हमने ग्लास को, शॉकर ग्लास को फिट कर देना है। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगाना है इसमें, ऑयल लुब्रिकेट लगा लेना है दोस्तों, ताकि हमारी सील ख़राब ना हो। और ये देखिए, इस तरह से आप शॉकर ग्लास को लगा देते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगा। और शॉकर ग्लास लगाने के बाद ऊपर हमने एक एलकी वाला जो बोल्ट होता है, इसमें एलकी वाला बोल्ट लगाना है। और इसमें दोस्तों वार्शल का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, ये वार्शल ज़रूर होनी चाहिए, और अगर ये ख़राब हो तो इसको चेंज कर दें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये टाइट करने का तरीका, और मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको टाइट करना है। एक अपने 24-27 की चाबी लेनी है, और इस तरह से शॉकर में लगा देनी है, देखिए दोस्तों शॉकर ग्लास में, और ऊपर से ये 12-13 की चाबी लगा पाना लेने के बाद आपने एलकी में फंसा देना है, और ये पूरी जान लगा कर टाइट करना है दोस्तों, अच्छी तरह से फुल इसको टाइट कर देना है। और मैं देखिए आगे आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको शॉकर के ऊपर हाथ रख के देखना है, और शॉकर को नीचे प्रेस करना है। देखिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी इसमें, ये देखिए, अगर इसमें आवाज़ आए तो हमारा शॉकर 100% सही काम कर रहा है, ये देखिए। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, स्प्रिंग कैसे लगाना है इसमें। स्प्रिंग भी दोस्तों सीधा और उल्टा होता है दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो एक तरफ दोस्तों ज़्यादा फैला होता है, एक तरफ ये कम फैला होता है, तो नीचे जो होता है ये कम फैला हुआ होता है, इसलिए हम इसको इधर से डालते हैं दोस्तों। इधर से डालने के बाद इसके अंदर एक वार्शल लगाएंगे, ये वार्शल भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं, इस वार्शल का ध्यान रखें, ये वार्शल भी लगा दें, और उसके ऊपर एक बुश आता है दोस्तों, ये पाइप होता है, इसको लगा दें। और पाइप लगाने के बाद देखिए दोस्तों, थोड़ा सा शॉकर ऊपर उठाने के बाद ये इसके अंदर वार्शल अच्छी तरह से देख ले बैठ गई कि नहीं। बैठने के बाद इसमें एक ये बुश लगा देना आपको, बुश लगाने के बाद फिर इसमें ऑयल डाल देना। ऑयल डालने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें हम नट लगाएंगे, और नट ये अच्छी तरह वॉश तो हमने कर चुके हैं, और इसको हम साफ़ कर रहे हैं दोस्तों। साफ़ करने के बाद इसको टाइट कर देना है, ये फुल्ली टाइट करना है दोस्तों इसको। ये फुल्ली टाइट तभी होगा जब बाइक में हम इसको लगा देंगे, इस तरह से नहीं होता है टाइट।
इस तरह से क्या होता है, शॉकर रोड खराब हो जाती है तो हम इसको बाइक में लगा कर ही फुल टाइट करते हैं। इसका ध्यान रखें दोस्तों, ये टाइट करने के बाद देखिए इसमें ये ऊपर का कैप लगा दिया रबड़ का, और अब हम देखते हैं शॉकर हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शॉकर काम कर रहा है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।